गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने जिला महिला चिकित्सालय परिसर में करोड़ों की लागत से बन रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर और कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विभिन्न कमियां पाई और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि अतिशीघ्र सभी कमियों को दूर कर लिया जाए, जिससे अत्याधुनिक संसाधनों से लैस अस्पताल को अतिशीघ्र संचालित किया जा सके। इसके अलावा 3 बड़ी कमियां पाई गई जिसे कार्यदायी संस्था दूर नहीं कर पाएगी, जो मुख्य रूप से लॉन्ड्री की व्यवस्था, पार्किंग की उचित व्यवस्था और कैटरिंग की व्यवस्था का ना होना, जिसे दूर करना अब मुश्किल लग रहा है। विभिन्न कमियों के बावजूद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल अधिकतम 1 माह में संचालित किया जा सकेगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, यही चीज से होगी जब बात होती है, जब श्रम हो रहे हैं वो तो यही नहीं बात कही, क्योंकि हम लोग आज का मशीन दिखा देता है चलने के बहुत बड़ा है, तो उससे बड़ा है जिसमें यहाँ आएगा तो जब उसको लगा है कि प्राइवेट सेक्टर चला रहा है उसको उसी तरह का एक्सपेक्टेशन से आया है। भाई इशू उठा था क्योंकि हम भी सब सुनाएंगे सर, अगर इसको सही में चलाना है तो ये ब्लॉक आपको तो अभी कितने दिन का समय और ले रहे कितने कितना समय सर हमारा तो कंप्लीट है, बस ये है कि सब लोगों के सब देखिए ये कौन सा फ्लोर है? केवल वार्ड कुछ नहीं है, ये किए होते ना, ये हमारी दीवार यहाँ से तोड़ते आधी जो तोड़ी वहाँ तक खोले तक बड़ी बढ़िया लगता है, पार्किंग करा दी जो आएगा मैं यहाँ के SIC महिला और कार्यदायी संस्था के लोग तथा जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो इस अस्पताल को चलाएंगे उनके साथ पूरे इस 8 मंजिला अस्पताल का निरीक्षण किया हूँ। अभी बहुत सारा कार्य इसमें होना बाकी है, मोटे तौर पे बिजली का ही अभी सब स्टेशन नहीं बन पाया है, मुझे लगता है कि इनको कहा गया है कि इसको 10 दिन के अंदर बना के दे दें। बहुत सारे वार्ड्स में जहाँ अति आवश्यक है कि AC लगना चाहिए उसके लिए भी बताया गया है कि इसमें AC लगाएं और जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको ढंग से ठीक करा दें। इस हॉस्पिटल में 3 बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं जो कि संभवतः अब कार्यदायी संस्था दूर भी नहीं कर पाएगी। पहला है कि इसमें लॉन्ड्री की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, चादरें वदरें कहाँ धोए जाएंगे या ऐसा कोई ना, कोई इसमें कैटरिंग की व्यवस्था के लिए स्थान है और उस हिसाब से पार्किंग की भी सुविधा इसमें नहीं हो पाई है। उसके लिए कोई अभी तत्काल कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। जो छोटी छोटी कमियां हैं और जो बहुत आवश्यक हैं, जो हमें इसको अस्पताल को चलाने में आवश्यक हैं, वो इन दोनों ने सहमति दी है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा करा देंगे और जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम इस अस्पताल को चालू करने की दिशा में अगला कदम बढ़ा देंगे। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 महीना लगेगा कि हम इसका शुभारम्भ करा सकें।